बातें बताई हुआ लेकिन आपने सीखी नहीं। तो यार एक पूरा फांस लग गया। जब भी कोई फांस लगाते हैं, बंधन लगाते हैं, तो पहले ज़्यादातर अधिकांश टूटा फांस प्रयोग करते हैं। ये लगाते ही इसको हमने इस तरीके से घुमा दिया। अब रस्सी जितनी बड़ी है उस पूरी रस्सी का प्रयोग कर लीजिए ताकि और बढ़िया से बन जाए। ये बनने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे ये होने के बाद ये देखिए ये दूर दूर हो गई ना, तो इसको हाथ से इस तरीके से कर देंगे ताकि ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम सीधे, ये बिल्कुल ऐसा लगे कि हमने जो है कहीं बहुत सुंदर ढंग से इसको तैयार किया। अभी हमने देखा आपने, ये देखो तैयार हो गया, कहीं लग रहा है कहीं इसको। और यहाँ पर हम अर्ध घूंटा फांस मार देंगे, अर्ध घूंटा फांस। और अगर आपको दिक्कत होती है तो एक अर्ध खूंटा मांस और लगा सकते हो ताकि ये कभी खुले नहीं। ये और अर्ध खूंटा मांस लगा, ये लगने के बाद दूसरी रस्सी उठाई, दूसरी तरफ इसको वही प्रक्रिया लगा। क्या बनाना है? खूंटा मांस। खूंटा मांस लगाने के बाद वही प्रक्रिया अपना देनी। खूंटा मांस तो आपने सिखा रखी थी, तो हम पकड़ रहे हैं आपको, मैंने सब बता रखा है, आपने सीखा नहीं, सीखा नहीं। और आप देखिए प्रैक्टिकल देखिए, ये जल्दी 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 लंबा भी चला जाए कोई बात नहीं, देर करने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे करते चले जाओ जितनी आपको लगे। ढीला रखोगे, ढीला रखने के बाद इसके बाद इसको फिर वही बात, फिर इसको लेंगे और इसको यहाँ आगे ना इसको लिए, देखो अब तो सिखाई दे रहा, ये यहाँ से ऐसे डाला और खींच दिया, ये लिया ऐसे डाला इसको, बस ये पूरा खूंटा फांस पूर्ण हो गई। अब जितना डंडा टूट जाएगा लेकिन ये खांस बन गया, कहीं लाने की ज़रूरत है, डीएम साहब को पत्र लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। होल बन गया आपका, 20 मीटर चाहिए, 10 मीटर चाहिए लीजिए, और उसको वहाँ क्या करेंगे जहाँ पर आप अपनी पिट है बनाना है या इसको काटना है उसको यहाँ बांध दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए इसको। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या बन गया ये पोल। अब हमारे पास आती है रिंग, नहीं है अब हम लोहे वाले ढूंढेंगे, स्काउटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सबसे छोटी रस्सी थी हमारी, एक छोटी थी आप लोगों के पास होगी, अभी तो 5-6 रस्सी थी। अभी हमें इतनी रस्सी मिली तो हम क्या करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें रिंग किसी से बना लेनी है। देखिए कैसे बनानी है, किस तरीके से यहाँ पर, किस तरीके से हमें इसको देखा है, कोई दिक्कत? ये रिंग बनाई और इसको हमने इस तरीके से खींच दिया। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर उसे मोड़ना मोड़ दीजिए, नहीं है खींचना खींच दीजिए, और अगर इधर कर ये गांठ है तो इसको और ऊपर कर लो, ये आपको अपना नहीं है तो हारी वगैरह वो काट लीजिए, नहीं है तो उसमें जल्दी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ले लो गांठ के ऊपर ही ले लीजिए। क्या करना है इसको, इस तरीके से ऐसे लिया, आप शादी करें इसको कम करो तो हमारे पास कम करने का ही साधन है, इसको खींचो भी आप कम होती चलिए जितना आप खींचो हो रही ना, और इसको ले करके आप इसको कस लो। कसने के बाद इसमें भी क्या लगानी है, वही ताकि ये खुले नहीं, डबल लगानी है, डबल हमारे पास रस्सी छोटी है तो हमने कितना किया, एक ही लगा दिया। क्या बन गया, ये बन गया लंबी रस्सी तैयार, डोरी तैयार, झंडा तैयार, रिंग तैयार। डोरी लीजिए, जितना बड़ा झंडा है आपका उतना ही बड़ा इसमें रिंग डाल दीजिए और इसको लीजिए और डोरी डाल करके आपकी तैयारी पूरी हो गई, झंडा छोड़ दिया। ये झंडा तैयार हो गया, अब यहाँ लेकर के इसको ऐसे करके ये काम कब करेंगे, एक दिन पहले करके छोड़ दीजिए, हो गया ना तैयारी। ये क्या नहीं था आपका, झंडा नहीं था, वो रिंग नहीं थी, झंडा नहीं था, हमने बना लिया, तैयार हो गया। अब आपके पास, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं इसका उद्देश्य, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज की। हो सकता है चलिए पहले राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे, इसका उद्देश्य बात करेंगे। तो अब झंडा आपने ले लिया, अब झंडा अपना ये आप कहीं भी तैयार कर सकते हैं, घर में भी तैयार कर सकते हो और यहाँ भी तैयार कर सकते हो।
यहाँ पर आपको देखना है थोड़ा सा बताया गया होगा, रिपीट कर रहा हूँ मैं। झंडे को घर पे इस तरीके का तैयार होने के कितना आता है जो बताया है करो। ये झंडा मालूम है, ये तैयार झंडा है। तैयार इसलिए कि इसमें लूप बना हुआ है और लूप ये प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा आसमानी कलर जो है वो उसका जो कलर है कौन सा, केसरिया कलर वो ऊपर है क्योंकि इसने बता दिया और इस झंडे से बता रहा है, तीर से बता रहा है। तो ये इस तरीके से आप तैयारी पहले से करके कर सकते हैं। अब देखिए बताएगा कोई आगे कार्यक्रम क्या करना है, बता दो एक बताओ क्या करना है। होल्ड करना, कोई बात नहीं, होल्ड करना। होल्ड करने के बाद क्या करना है, ऐसे ही बताया होगा। अब डब्ल्यू बनाने को बताया होगा, डब्ल्यू का मतलब इधर से और इधर से बनाया, ऐसा नहीं बताया, बताया था तो बताया है तो सही है।
क्योंकि वो झंडा फहराते हो और वो कहाँ पढ़ते हैं आपके पैरों को पढ़ते हैं, फूल का हम सम्मान करते हैं, फूल की रंगोली तो भले ही बना लो, वैसे रंगोली भी नहीं बनानी चाहिए आपको, रंगोली आटे वगैरह से बनानी चाहिए, फूल केवल खुशबू देने के लिए है, फूल इसके लिए नहीं कि तोड़ के लाओ पैरों से रगड़ो, उस फूल का सम्मान करो। लेकिन रंगोली बनानी है तो हल्दी वल्दी से बना लीजिए और फूल कभी भी झंडे में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। फूल एक सम्मान युक्त है, फूल को कहाँ चढ़ाना चाहिए, भगवान के ऊपर या अंतिम संस्कार में जो चढ़ाते हैं उसका वो एक सम्मान है, उस तरीके से करना चाहिए, फूल झंडे में नहीं लगाते हैं। ये कुछ लोग करते हैं, ज़्यादा करना तो सूखी पत्ती वगैरह अगर आप हुआ तला कर दीजिए उसको रख दीजिए, ये आपका झंडा तैयार हो गया। इसमें और पहले सर और गांठ भी होती है तो और भी गांठ होती है, खुल गया। दूसरी गांठ क्या है इसको, अगर आपको लगता है कि हम और गांठ का प्रयोग करना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ लेने के बाद इस तरीके से गांठ का प्रयोग करके इसको टेंशन नहीं लेना, कस दिया, देखा कितना बवाल कर दिया मैंने, है ना। लेकिन जब इसको खोलोगे तो कुछ नहीं, तो ये सरल है वो सरल है ये सरल है, लेकिन इसको बारिश हो तो मत करना, कभी कभी झंडा बारिश में सूख गया तो आप कहीं रस्सी टाइट हो गई तो खुलने में दिक्कत हो, तो अगर सामान्य स्थिति है तो इसी का प्रयोग कर सकते हो। और वैसे आपको जो बताया गया सिल्किल लीजिए और इस तरीके, अभी कौन सी लगा दें, ये सिल्किल वाली लगा दी, ये तो हमने खींचा और सरल किया, यहाँ पर लेके ऐसे ये लिखी, अब हमें और डर है हमने इसको, और डर है तो इसको हम लिखी, डर ज़्यादा तुम्हें लगता है गांठ हमारी खुल जाएगी, अब तो हमें क्यों डर है, तो मैंने कई गांठें लगा दी ना, लेकिन खींचोगे तो क्या होगा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखना आने पता चला जब अब तंगीर हो तो इसलिए ज़्यादा मत कलाकारी का बैठना, इसको लेना और इसको सिंपल अभी गांठ सिखाने के लिए तो बता रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी सिंपल गांठें यहाँ प्रयोग करेंगे इस तरीके से ओके क्लियर। झंडा घर से ले आए, पहले दिन की तैयारी ये है और दूसरे दिन की तैयारी आ गए, सुबह प्रातःकालीन अपना या स्वयं को लेकर के हम पहुँच गए, अपनी रस्सी को खोला, रस्सी को ये देख लो कि इसमें कोई वैसे टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे की जरूरत है नहीं, वैसे आपको होना ये चाहिए, ये रस्सी ऊपर वाली मानी जाएगी क्योंकि ये खिंचाव होता है, अगर ये भी कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात है। ये रस्सी कैसे हो गई, ऊपर वाली रस्सी उन्होंने दी, वही मैंने बताया कौन सी गांठ लगनी है इसमें, ये छोड़ा अपनी उंगली वाली रस्सी लगाई, इस रस्सी को पकड़ा, इस दो रस्सी को पकड़ा, यहाँ पर ज़्यादा रस्सी लगी उसको खींचा, जो बनी ये लग गई, ये दस दो दुश्मन की तरह कोई नहीं लगता। दूसरी तरफ बची यहाँ भी कौन सी गांठ लगेगी, आप देखिए वही मोर लगा दी, रिंग बनाया, उंगली की तरफ से डाल दी रस्सी और ये गोली, झंडे को यहाँ पर छोड़ दी। छोड़ते समय ध्यान रखना है कि झंडे को जब खींचोगे तो ऊपर देख लो कहीं कहीं दिक्कत तो नहीं है, तो इस झंडे को धीरे धीरे आप ऊपर को चढ़ाएंगे ऐसे, इसको छोड़ने के बाद इसको धीरे 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 इसको खींचेंगे, ये झंडा आपका ऊपर जब है टंगेगा, जैसा भी हो जाए कोई बात नहीं, खिंचाने दीजिए। अब आपको रस्सी लगेगी, इस झंडे की जो खींचने वाली रस्सी है उसको कैसे रखो, थोड़ा ढीला और शेष रस्सी को थोड़ा यहाँ लेने के बाद इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से फंसाया, ऊपर से नहीं, क्योंकि ये फंसाव करेगी नीचे के लिए, जब नीचे को फंसाव करेगी तो ये रस्सी ढीली है, ये फंसाव करेगी और यहाँ से हमने इसको 3-4 जितनी आपकी रस्सी बच रही है, वो सकती बड़ी हो, जितनी बड़ी हमारे पास बच नहीं रही तो यही से हम क्या कर देंगे, उनका मास्क हर दूसरा मास्क लगा, और लगाने के बाद इसको बढ़िया तरीके से तो जाकर के तैयारी हो गई, आप बच्चों को आएंगे और अपना ठंडे के बाद जब पहुँचते हैं एक चीज रखना, इसका झंडा भी लगा सकते हैं, वो भी लगाइएगा हमेशा राष्ट्रीय ध्वज दाएं तरफ, जब भी कोई राष्ट्रीय ध्वज या स्काउट झंडा करोगे किसी भी टीचर को पीछे नहीं, आपके सम्मानित सदस्य आएंगे पीछे नहीं, वो
चाहे हिटलर हो चाहे कोई भी हो, झंडा नाम झंडे से जितने लोग खड़े होंगे अब सम्मान की बात होती है। तो नियम ये कहता है संस्था में सबसे बड़ा संस्था कौन होता है, कौन होता है, संस्था अध्यक्ष। जिस संस्था का संस्था अध्यक्ष हो चाहे वो किसी को हो या किसी विभाग को, सबसे पहले वो खड़ा हो। उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब समझ लो या बुजुर्गी के हिसाब समझ लो, सीधे यहाँ खड़े होंगे 10-5 दिन बच्चे काम रहे होंगे बी आकार में या फिर ऑस्ट्रू में, जैसे खड़ा करना अच्छे लगे उनको खड़ा कर दीजिए। अब यहाँ से अगर सैल्यूट देंगे तो आप देखिए अब झंडे से हमेशा जब भी खड़े होंगे तो एक और दो कितने कदम, दो कदम आपके और तीन कदम इधर झंडे के पास होने का, झंडे के पास कम होना चाहिए 13। अब सैल्यूट देना तो देखिए हमने ध्यान दे रहे हैं तो हमारा कहाँ जा रहा है, झंडे जा रहे हैं सैल्यूट दे रहे हैं। अगर हम यहाँ आए इसलिए हम कानून का झंडे को रखते हैं कि हमारा सैल्यूट इनको झंडे को दे रहे हैं और किसी को दे रहे हैं राष्ट्र उसको दे रहे हैं तो हम यहाँ पर खड़े ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना। आप यहीं से खड़े होंगे, नज़र आपकी होगी, हम झंडे को क्लियर हो गए। अब आएंगे तो संस्था अध्यक्ष को बताना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि संस्था अध्यक्ष बिजी रहते हैं अपने कार्य में बिजी रहते हैं तो उनको बता देना जैसे हमारी रस्सी जो है वो ढीली वाली रस्सी है वो आपको, तो संस्था अध्यक्ष जरूर जा करके सीधे जाना है, नहीं सीधे जाना है तो एक कदम आगे जाएंगे और ऐसे भी खींच सकते ऐसे खींचेंगे तो भी सैल्यूट दे सकते और आगे से जाना है तो भी जा करके रस्सी को पकड़ेंगे। स्काउटिंग की गतिविधि दूसरी है, स्काउटिंग की गतिविधि हम नहीं सिखा रहे हैं वो किसी का ही हो सारी है, हम घुस की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय दिन में तो उसमें आप सीधे या तो यहाँ से जाना चाहेंगे या फिर संस्था अध्यक्ष पहुँचे जाएंगे और यहाँ पर झंडा इसमें बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। अब यहाँ से जाने खींचने पर हमारा एक कदम की छोड़ना कम से कम ये नहीं कि बिल्कुल सट जाए जाते, एक कदम अपने कद के अनुसार खड़े हैं डोरी ली ऊपर हाथ पूरा जाएगा ठीक है। बच्चे को कौशल के लिए टीचर कौशल के लिए बोलेगा और सीधे कहेंगे तुझको क्या फैलाएंगे एकदम करेंगे और ज़्यादा यहाँ टेंशन नहीं लेंगे, होता होता छोड़ देंगे। अब एकदम बोल देंगे सैल्यूट तो सब लोग क्या दे देंगे, सब सैल्यूट देंगे एक साथ। फिर बोलेंगे वो जैसे थे तो हाथ नीचे आ जाएगा सबका, जैसे थे राष्ट्रगान शुरू, राष्ट्रगान शुरू, राष्ट्रगान शुरू होते ही संस्था अध्यक्ष बोलेंगे इसी से ले जाएंगे सब लोग को अपना भाषण देंगे प्रदर्शन देंगे तो वहाँ से झंडा फैल गया। अब